इंडिया गेट, ये आना हमारा बहुत स्पेशल है क्योंकि कल ही हम सब जानते हैं कि इनॉग्रेशन हुआ है आफ्टर बीइंग रेनोवेटेड फॉर सम टाइम। ये जगह इनॉग्रेट हुई है कल बाय पीएम मोदी, और जो ये पाथ है इंडिया गेट से जो कनेक्ट करता है राष्ट्रपति भवन को, उसको राजपथ कहते हैं, जिसका नाम अब कर्तव्य पथ कहा है। इसी को हम इंजॉय करने यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर काफ़ी कल्चरल इवेंट्स चल रहे हैं, तो इस इवनिंग को हम इंजॉय करेंगे, और आप ही हमारे साथ ब्लॉग में बने रहें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सुंदर फाउंटेन्स को इंस्टॉल किया गया है, और यहाँ पर हमारे ट्राई कलर को इतना सिग्निफाई किया हुआ है और इम्पोर्टेंस दे रखी है कि हर जगह वो ही आपको डिपेक्ट किया जाएगा। इंडिया गेट पे भी आप देखोगे कि ट्राई कलर को कितने सुंदर से प्रोजेक्ट किया गया है हमारे तिरंगे को, और वैसे ही यहाँ पर हमारे फाउंटेन को कर रखा है। एवरीवेयर देर इज़ अ सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्राई कलर एंड द फ्लैग। दोस्तों अब हम चलेंगे सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू की तरफ, जहाँ पर इंडिपेंडेंस से पहले जो है ब्रिटिश राज में एक रूलर थे, उनका स्टैचू लगाया हुआ था, बट इंडिपेंडेंस के बाद वो स्टैचू हटा दिया गया। एंड कल ही एक और नया स्टैचू यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का लगाया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, तो चलिए हम लोग विजिट करते और दोस्तों यहाँ मैं अकेली नहीं आई हूँ, ऑफकोर्स राहुल भी मेरे साथ आए हैं, हम दोनों आए हैं गाइस यहाँ पे घूमने, और जैसे हमने शादी कराया। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बी अ पार्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल फैमिली। और दोस्तों अब हम जा रहे हैं स्टैचू की तरफ, जो सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू है यहाँ पे, बहुत बड़ा स्टैचू इंस्टॉल करा गया है यहाँ पे हमारे सामने ही है। तो दोस्तों वहाँ पे आपको हम बता नहीं पाए क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू इंस्टॉल करने का रीज़न ये है, जो पहले ये जैसे छतरी कह लो, जो कुछ भी कह लो, इसे इसके नीचे ना एक ब्रिटिशर रूलर का वो हुआ करता था स्टैचू, बट इंडिपेंडेंस के बाद उसको हटा दिया गया और उसके बाद से ये खाली ही था, बट अभी इसे इंस्टॉल करा गया और सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू लगाया हुआ है, ताकि जो अंग्रेज़ों ने छाप छोड़ी है हमारे इस एरिया में, जो राजपथ वाला एरिया है, ये सबको पता है बहुत प्रोमिनेंट रहा है, चाहे अंग्रेज़ों का टाइम हो चाहे मुगलों का हो, किसी का भी टाइम हो, ये एरिया बहुत प्रोमिनेंट रहा है। तो अब यहाँ ये कोशिश हो रही है कि अंग्रेज़ों की छाप हटाई जाए, इसलिए ही कल इसका नाम राजपथ से हटा के अब कर्तव्य पथ रखा गया है और स्टैचू भी इंस्टॉल करा गया है। तो सारी कोशिश यही है कि अंग्रेज़ों ने जो हमारे देश पर इतने साल राज करा था, उसकी छाप किसी तरह धीरे धीरे हटाई जाए। दोस्तों अभी हमने नेताजी सुभाष चंद्र का स्टैचू देखा, और वहाँ से ही मुझे ना फोक म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने नोटिस किया यहाँ पर एक कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है जो बहुत अच्छा है, तो चलिए उसको एंजॉय करते हैं। काफ़ी सुंदर कल्चरल शो था, और असम का पीहू डांस को यहाँ डिपिक्ट किया जा रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और मैंने यहाँ पर एक और चीज़ नई नोटिस करी है कि ऑल द बेंचेस हैव बीन रेनोवेटेड टू विद द लैंप्स एंड द बेंचेस हैव बीन रेनोवेटेड, और बहुत सुंदर यहाँ पर एक मॉडर्न लुक दिया गया है बेंचेस को। तो चलिए अब राष्ट्रपति भवन की तरफ चलते हैं। और गाइस कली ना ये इस रोड का भी, मतलब इस अंडरपास का भी इनॉग्रेशन हुआ है, जो आपको इंडिया गेट वाले रास्ते से और सीधा राष्ट्रपति भवन की तरफ कनेक्ट करता है, और इधर भी काफ़ी कुछ नया यूनिक चीज़ें लगाई हुई है, तो चलिए उसे एक्सप्लोर करते हैं।
गाइस ये जो पूरा अंडर पास पे जितने भी आप फोटोज़ देख रहे थे ना, ये दिखाया गया है कि बिफोर एंड आफ्टर दिखाया गया है एक्चुअली, कि पहले कैसा लगता था और रेनोवेशन के बाद अब ये कैसा लग रहा है। गाइस अभी हम सामने थे और आप मेरे पीछे देख सकते हो इंडिया गेट है और यहाँ पर चारों तरफ आज इतने सारे कल्चरल इवेंट्स चल रहे हैं, हर जना इसको इंजॉय करने यहाँ पर आया हुआ है। वहाँ पर भी इवेंट्स चल रहे हैं, उधर भी इवेंट्स चल रहे हैं, तो काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, न्यू पार्लियामेंट भी बनी है, उसका रीज़न ये है जो पुरानी पार्लियामेंट है वो 100 साल से पुरानी हो गई थी, 100 साल के आसपास हो गई थी और वहाँ पे ना सीटिंग कैपेसिटी लिमिटेड थी, तो अब अराउंड डबल हो गई है राज्यसभा में और लोकसभा में, और जो इनकी पूरी कंबाइंड पार्लियामेंट बैठती है ना, सारे मेंबर्स बैठते हैं उसमें भी सीटिंग अराउंड 1200 के करीब हो गई है, तो ये रीज़न भी है नई पार्लियामेंट को फॉर्म करने का। और मॉडर्न उसमें बिल्कुल टेक्निक्स यूज़ करी हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हो, सारी ऑनलाइन ई कॉन्फ्रेंस हो सकती है, आपको वहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है, फिज़िकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ, वहाँ सामने मोदी जी की कल की बात चल रही है, वो देखिए मोदी जी की कल की जो वो बातें थी ना, वो आज भी यहाँ पे स्क्रीन पे चल रही है। तो थोड़ा और आगे चलते हैं, राष्ट्रपति भवन तक चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या क्या और नया है देखने को। तो गाइज अभी मोदी जी से सुनने को मिला, मैं बता रहा था ना पहले कोई और स्टैचू था, वो जॉर्ज पंचम को ही है उसका स्टैचू था, तो अभी मोदी स्टैचू था, तो ये अभी मोदी जी ने बताया। गाइस थैंकफुली तो वेदर इज सो नाइस एंड प्लेजेंट कि हम यहाँ पर एंजॉय कर पा रहे हैं, और आप भी प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वॉक थ्रू इंडिया गेट कैसा लगा। और गाइज आज फर्स्ट डे है ना, मतलब कल ही ये ओपन हुआ है फिर से, तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी लोग मिल रहे हैं। देखो भैया कैंडी भी दे रहे हैं हमें, नहीं भैया बाद में आते हुए लेंगे, अभी वहाँ चल रहे हैं दोस्तों राष्ट्रपति भवन की तरफ। और गाइज अभी राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी ना मतलब अब थोड़ी थोड़ा ह्यूमिड लगने लगा है, वैसे तो टाइम ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, 8 बजने वाले हैं अभी, और सामने काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है मेरे को राष्ट्रपति भवन का। मैं इसे समझा रहा हूँ कि यार इस टाइम किसी से नहीं मिलते हैं और वो भी राष्ट्रपति से मिलने जा रही है ये, बट ये समझ नहीं दी है दोस्तों। इंडिया गेट तो मैं इंजॉय करने पहले भी आई हूँ, और बट अब जो आए हैं उसका एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अलग है, बहुत क्लेनलीनेस है यहाँ पर, डस्टबिन इंस्टॉल कर दिए गए हैं, एंड ओवरऑल जो वाइब है यहाँ का वो काफ़ी अच्छा है, मतलब आप वाटर स्ट्रीम्स पूरी यहाँ पर इस टाइम इन्होंने अच्छे से कर रखा है, एवरीथिंग इज वेल मेंटेन्ड, जो पहले नहीं होता था अब वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से वेल मेंटेन कर रखा है, तो आप नेचुरल ब्यूटी को यहाँ पर आके बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे मेरे लेफ्ट में जो है पीएम निवास जो बन रहा है उसका कंस्ट्रक्शन साइट है, एंड मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन है, तो हम वहाँ तक जाने का सोच रहे हैं कि उसको भी जाके देख के आए, जितना अलाउ करा जाएगा हमें वहाँ तक इंजॉय करें। तो गाइज हमारे पीछे जो है वो राष्ट्रपति भवन है, हम जा सकते हैं ये रोड क्रॉस करके वहीं पहुंच जाओगे आप, बट ना हम एक्चुअली थोड़े थके हुए हैं तो उधर नहीं जा रहे हैं, आज सुबह से निकले हुए हैं और 8:30-9 बज गए हैं, तो हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं दोस्तों। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली।